नमस्कार दोस्तों, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की मात्रा जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बढ़ती ही जा रही है। दिवाली के बाद से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का कुछ इस कदर हाल हो गया है कि मानो कि हज़ार जो इसका पॉल्यूशन लेवल होता है, जो एयर क्वालिटी लेवल होता है, वो 1000 पार कर चुकी है। लेकिन वहीं अगर बात करें यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की, तो वो भी बहुत लगातार बिगड़ती जा रही है। हर किसी को आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर आपको मास्क पहना हुआ दिखेगा, और ना केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के आसपास के कई इलाकों में, बल्कि कई शहरों में भी। और ये पॉल्यूशन अब पहुंच चुका है वाराणसी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सांसदीय इलाका है। आपको ये जानने में बहुत ताजुब होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद ये सुनकर आपके होश उड़ जाएँ। वाराणसी में लोग तो मास्क पहन के घूम ही रहे हैं रोडों पर, लेकिन साथ के साथ हमारे जो भगवान हैं उनके ऊपर भी, उनके मुंह पर भी मास्क लगाया जा रहा है। और ये किस लिए? क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि वहाँ पर एक मंदिर है, शिव पार्वती जी का मंदिर है, और उसमें जो माताओं के मुंह पर मास्क लगाया जा रहा है, उनके वहाँ के पुजारियों का कहना है कि हम अपने देवी देवताओं को एक मनुष्य के रूप में पूजते हैं, और मनुष्य के रूप में पूजने की वजह से जिस तरीके से एक मनुष्य को ठंड गर्मी का एहसास होता है, वैसे ही हमारे देवी देवता, हमारे भगवानों को भी होता है। तो गर्मियों के टाइम पर वो उनको शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन का लेप लगाते हैं, और सर्दियों में उनको कंबल भी ओढ़ाया जाता है। लेकिन अब तो उन्होंने हद ही कर दी, जो कि शायद सही भी है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि पॉल्यूशन जिस कदर बढ़ता जा रहा है हमारे भारतवर्ष में, ना केवल भारतवर्ष में बल्कि भारत के बाहर जितने भी देश हैं, जो कि चाइना हो गया या फिर कहीं न्यूयॉर्क हो गए, अमेरिका और ऐसे कई सारे देशों में भी आज के टाइम पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, और लोगों की जो स्थिति है इसकी वजह से बहुत बिगड़ती जा रही है। तो उनका ऐसा मानना है कि अगर मनुष्य इस पॉल्यूशन से इस कदर अगर गंभीर रूप से घायल है, तो वहीं भगवानों के ऊपर भी कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर पड़ता होगा। तो इस चीज़ से प्रेरित होकर उन्होंने हमारी माताओं, जो मूर्तियाँ होती हैं भगवानों की, उन पर भी मास्क लगाया गया। ऐसा कहा गया कि जिस कदर इंसान जो पोल्यूशन से आज के टाइम पे पीड़ित है, भगवान ना हो, इस वजह से भगवान को भी बचाने के लिए उन्होंने भगवान के चेहरे पर मास्क लगाया गया। ये वारदात जो है ये वाराणसी के शिव पार्वती के मंदिर में है, जो कि काशी में स्थित है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि पोल्यूशन लेवल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो ऑड इवन की वजह से संतुलन में आ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी पोल्यूशन लेवल इतना है कि लोग इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त हैं। और लोगों के जो हृदय से जो पीड़ित लोग होते हैं, जिनका आमतौर पर हार्ट जो है कमज़ोर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त है। अब ये पॉल्यूशन लेवल कब कम होगा या कब नहीं होगा, या फिर इस तरह की जो बातें हैं कि जैसे भगवानों के मुंह पर भी मास्क लगाना, ये कहीं ना कहीं लोगों को संदेश दे रहा है कि जो भी हम आने वाले टाइम में जो हम विकास के नाम पर एक नई चीज़ें लाते रहते हैं, नए नए उपकरण लाते रहते हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे दिल्ली NCR के अंदर फैक्ट्रीज़ हैं जिनसे पॉल्यूशन एमिट होता है, कई सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और ना केवल फैक्ट्रीज़ बल्कि कई सारी गाड़ियाँ, हालांकि CNG उस कदर पॉल्यूशन नहीं फैलाती है, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो काफ़ी हद तक पॉल्यूशन पहुँचाती हैं। और जब तक हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करना कम नहीं करेंगे, हमारी धरती एक पॉल्यूशन का ऐसा ही एक भंडार बन जाएगा, जहाँ पर पॉल्यूशन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हमें सांस में लेने में आएगी। तो सिर्फ आपसे एक यही अनुरोध है कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, और किसी ना किसी तरीके से जो भी हम एक अगर सिंगल पर्सन अगर कोई व्हीकल लेके चलता है वो ना लेके चले, क्योंकि जो ये पॉल्यूशन है इससे ना केवल आम आदमी बल्कि हर एक इंसान, हर एक मनुष्य इससे ग्रस्त हो रहा है, इससे पीड़ित हो रहा है। तो मैं अभयराज, कैमरामैन अभिलाष के साथ लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक।